कहाँ खींचेंगे? ठीक है भैया, शादी के दिन कोई लहंगा अपने हाथ से अंदर कर रहा था, आज क्या दुपट्टा ऊपर करो खुद से। चल भाई। उस दिन 10 किलो का लहंगा तो अंदर अपने हाथ से कर रहे थे, वो भी 3-3 बार। तो क्या तुम्हारे प्यार के लिए रोना पड़ेगा मुझे? मेरा फ्रेंड्स, ये होती है शादी की सच्चाई, वो भी 2 महीने बाद। लोकेशन ढूंढ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सोच रहे हैं क्लिक कर ले। फ्रेंड्स कैमरा बंद था और आधा शूट कर दिया था। कोई बात नहीं, दोबारा फिर से कर दे रीटेक। फिर बोलते हो कि परेशान करती है। रीटेक। अरे बिस्किट नहीं है, फिर कभी कल आएंगे। ठीक है बेटा, बाय। चलो शुक्र है आपका, आपने खोला दरवाजा। दादा आपने हम दोनों के बहुत अच्छी फोटो क्लिक कर दी है, थैंक यू। टिकट हो गए? टिकट हो गए। अच्छा, दिल्ली से अजमेर के हो गए हैं। अच्छा। 5 टिकट। दोस्तों में खाने गए थे तो मेरे लिए भी भिजवाया था, थैंक यू। ये क्या है? ये चिकन मुगलाई पराठा है, तो पिज्जा जैसा लग रहा है। सुनो, आपको आज गाना सुनाना था, ये वाला अब याद कर लो फ्रेंड्स, पिछले आधे घंटे से याद कर रहा है, लिरिक्स नहीं याद हो रहा है। तमन्ना तुम्हें हम दुल्हन बनाए, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, है तमन्ना तुम्हें, है तमन्ना हमें, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। हाँ। तेरे हाथों की मेहंदी अपने हाथ पे लगाए। तेरे हाथों की मेहंदी नहीं, तेरे हाथों की मेहंदी अपने हाथों पे सजाए। नहीं, वो सजाएंगे तो हम सजाएंगे कि वो सजाएगी? अरे मतलब हम ही सजाएंगे। तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तमन्ना इस गाने के जो फैन होंगे ना, वो तुम्हें इतना सुनाने वाले हैं। फ्रेंड्स सॉरी, इसको लिरिक्स कभी नहीं याद होते, तो भी लेकिन ये याद करके प्रॉपर तरीके से सुनाएगा इतने अच्छे गाने के लिए, ऐसी तैसी मत करो। मैं गिटार बजाऊंगा। मैंने बाहर से कुछ खा लिया है तो घर में बनी थी दाल। तुम देखो मेरे कितना अत्याचार हो रहा है, मुझे दाल पिलाने लेके आई नीचे की, तुम एक करोड़ी दाल पियो। सजा मिलेगी तभी इंसान सुधरता है ना। मन से पूछो क्या खाओगे, कह रहा मूंग की दाल बनवा रहे। जब मूंग की दाल बनी थी तो तुम बाहर से क्यों खा के आए? अब दोस्तों ने कह दिया तो मैंने खा लिया। हम कह रहे थे कि पी लो। गुड बॉय। कैसी लग रही है? सही। तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है।